अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक तवा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले रख लिया है मैंने एक प्याज और थोड़ी कस्तूरी मेथी, एक चम्मच अदरक लहसुन और थोड़ा करी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और चिकन मसाला है ये। और अंडों को मैंने उबाल के इस तरह कट करके रख लिया है। बहुत आसानी से हमारा अंडा तवा फ्राई बनेगा। इस तरह बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। रख लिया है एक तवा, उसमें मैंने डाला है 3 स्पून तक का तेल। तेल डालने के बाद यहाँ पर प्याज, करी पत्ता और नमक, कस्तूरी मेथी और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। और सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने सूखे मसाले डाला है। डाल के अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर सोया सॉस डाला है मैंने 2 स्पून और टमाटो सॉस डाला है मैंने 2 स्पून। ये दोनों चीज़ों भी आप नहीं डाले सरका भी बना सकते हैं, डाले तो इसका टेस्ट बहुत अच्छे से अच्छा आएगा। और थोड़ा पानी डालकर हम इसे इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मसालों को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। लगभग ये सारी जो हम ये अंडा फ्राई बना रहे हैं 3 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। और मसालों के ऊपर जो हम अंडे उबाल के कट करके रखे थे उसे उल्टा करके इस तरह हम डाल देंगे। डालने के बाद हमें 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेना है। गैस के फ्लेम को लो भी रख सकते हैं आप। अब इसे देखिए दूसरी तरफ इस तरह पलट लेंगे तो हमारा तवा अंडा फ्राई बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड देखिए कितना अच्छा है और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है। आप भी ज़रूर से एक बार आपके घरों में बनाकर देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।